हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके कुकिंग शो। आज हम कटहल बनाने जा रहे हैं। ये देखो इस तरह से होता है। ये हम बॉईल करेंगे और इसके जो बीज हैं ये बहुत हार्ड होता है, इसका छिलका। ये भी हम बॉईल करने के बाद भी निकाल सकते हैं और पहले भी हम बॉईल करने के बाद निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक की तरह होता है। तो छिलका निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके कटहल के कोफ्ते अच्छे बनेंगे। हमने बॉईल कर लिया है कोफ्ते के लिए कटहल। अभी इसका हमने ये देखना है कि ये जो बीज है ना, बहुत टेस्टी होता है, पर बीज का छिलका हमने ये देखो उतार लेना है। इसका छिलका इस तरह से होता है, इस तरह से। जब आप सब्जी बनाओगे ऐसे सॉफ्ट लग रहा है, तब ये बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा, जैसे एक वो होता है प्लास्टिक शीट होती है उस तरह से। तो ये आपने सारा निकाल के ये देखो इस तरह से होता है, इस तरह से, सॉरी, ये देखिए, ये होता है वो शीट की तरह हार्ड होता है छिलके का, छिलका इसका बीज का। ये ज़रूर निकालना, उसके बाद आपने इसको मैश करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमने बॉईल करके हल्के से मैश कर लिए हैं। इनके बीज बहुत टेस्टी होते हैं, वो फेंकने नहीं हैं, बस बीज का छिलका ही निकालना है। बाकी देखो बीज का छिलका इस तरह से होते हैं, जब आप बॉईल करोगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इस यही गलती करके लोग कोफ्ते बना देते हैं, पर आपने ये ज़रूर निकालना है। जब कोफ्ते बनते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, तो इसको ज़रूर निकालना है। फिर मुंह में आता है, बहुत गंदा टेस्ट आता है। इस तरह से आप सारे मसाले थोड़े थोड़े ऐड कर लो, हल्दी, नमक, मिर्च, कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है। नमक ऐड करेंगे, थोड़ा करेंगे क्योंकि सब्जी में डालेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे, एक टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालना, उतना ही डालना है कि बाइंडिंग हो जाए अच्छी सी इसकी। फ्रेंड्स, थोड़ा ही बेसन डाला है, एक टेबलस्पून डाला है, बस ऐसे बाइंड हो जाए अच्छे से, ऐसे उतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। अभी हम कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हमने ये ऐसे गोल गोल बनाने हैं ऐसे, और ये सरसों का तेल रखा है, इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से इनको तलना है, कटहल के कोफ्तों को। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये, ऐसे भी खाए जाते हैं ये चटनी के साथ, और मैं इनको ग्रेवी लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक टेबलस्पून कढ़ाई में तेल लिया है, एक चम्मच मैंने जीरा डाल दिया। अभी मैं खड़े मसाले डालूंगी, ये तेज पत्ता है, ये बड़ी इलायची है, ये दालचीनी है। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये लहसुन की 5-6 तूरियां हैं, और 2 इंच मैंने अदरक डाल दिया है, 2 प्याज रफली काट लिए हैं। मैंने पहले ही बताया अगर 2 प्याज हैं तो 4 टमाटर डाल लिए हैं। टमाटर की क्वांटिटी प्याज से डबल ही रखनी है हमेशा, जब भी सब्जी बनाओ टमाटर अच्छे से गल जाए, इसलिए थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करके ढक देंगे, इनको बस पकाना है कि अच्छे से गल जाए, फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये मसाला हो गया है तैयार। अभी हम इनके कड़े मसाले जो हैं वो निकाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे ठंडा होने पर। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ड्राई मसाले डाले थे, 2 टेबलस्पून सरसों का तेल साड़ के मैंने वो ड्राई खड़े मसाले जो थे वो डाल दिए हैं। अभी मैंने एक हल्दी 1 स्पून डालना है, लाल मिर्च देख के डालना है स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने जो टमाटर प्याज का ग्रेवी बनाने से पहले जो भुने थे उनमें भी नमक डाला है, और जो कटहल के कोफ्ते बनाए हैं उनमें भी हल्का सा डाला है, इस करके देख के डालना है। ये कलर के लिए हम देगी मिर्च भी डाल देंगे। अभी हमने टमाटर की जो प्यूरी बनाई है और प्याज की, वो तो हमने डाल देंगे। अभी हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, जितना हमें ग्रेवी को चाहिए। अभी कोफ्ते डालने से पहले हम इनको थोड़ा सा पका लेंगे, जो मसाले मसूले डाले हैं तो इसको कवर कर देंगे कि जो मसाले की खुशबू है वो अंदर ही रहे, ऐसे कवर करके ही पकाना है इसको थोड़ा सा। तो ये हमारी करी तैयार हो गई है, ग्रेवी तैयार हो गई है। अभी इसमें हम कटहल के कोफ्ते डाल देंगे,
डालने के बाद सिर्फ हमने 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तैयार है, गली हुई है पत्ते अंदर से, बॉईल करके बनाए हैं। बस 2 मिनट पका के इसको हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कटहल के कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप इस तरह से बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।